ट्वेल्थ क्लास के नए चैप्टर की ओर चलते हैं, और ये चैप्टर है फिजिकल का। और अपने यूट्यूब चैनल का जो ट्वेल्थ क्लास का जो मटेरियल उसका लास्ट चैप्टर है जो फिजिकल का है। वैसे ट्वेल्थ क्लास में फिजिकल के चार ही चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशंस ओपन ने कर लिया, उसके बाद सॉलिड स्टेट्स ओपन ने कर लिया, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा और अच्छा चैप्टर वो भी अपन ने कर लिया। अब बारी केमिकल काइनेटिक्स की, रासायनिक बल गति की। आपने देख ही लिया वो बोर्ड के पीछे हेडिंग लिखी हुई है, बड़ा बेसिक और बड़ा प्यारा चैप्टर है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आप कह सकते हो ये भी वो फिजिकल का चैप्टर है जिसमें आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हालांकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, कुछ थियोरेटिकल पोर्शन भी होता है। तो सबसे पहले अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं, बेसिकली सीखते हैं इस चैप्टर में अपने क्या सीखना है और क्या जानकारियाँ लेनी है। तो कंटिन्यू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स दो शब्द काम में आ रहे, रासायनिक बल गति की दो शब्द काम में आ रहे ना, एक तो केमिकल एक काइनेटिक्स। तो आपने केमिकल्स तो बहुत बार सुना है, केमिस्ट्री तो आपने साइंस ही ली है, केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, तो केमिकल बहुत बार टर्म सुना है। केमिकल मतलब कोई भी सब्सटेंस जो केमिकली यूज आ रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, इवन अपन चारों ओर जो भी देखते हो सारे केमिकल सब्सटेंस ही है। लेकिन ये जो काइनेटिक्स शब्द है वो कहाँ सुना है आप लोगों ने, काइनेटिक्स, या फिर इसका जैसा एक टर्म है काइनेमेटिक्स जिसे ये बना हुआ है, ये सीखते हो आप लोग फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर जो आप काइनेमेटिक्स जो सीखते हो, जिसका मतलब जिसके अंदर आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसके बारे में जानते हो, उसमें भी दो वैरायटी आती है। कौन सी दो वैरायटी? एक 1D मोशन, एक 2D मोशन, वो काइनेमेटिक्स का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर जो काइनेमेटिक्स आने वाली है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या कुछ चलेगा क्या? यहाँ पर काइनेटिक्स का मतलब जिस बीकर के अंदर रिएक्शन हो रही हो, रिएक्शन वो बीकर चलने लग जाएगा क्या है? यहाँ पर गतिशीलता का मतलब जिस बीकर में रखा हुआ ये भागेगा क्या? ये काइनेटिक्स हो गया कि डब्बा भाग रहा है जिसमें रिएक्शन हो रही है, ये काइनेमेटिक्स हो गया, ये काइनेटिक्स हो गया केमिकल रिएक्शन का नहीं। बहुत कुछ राज की बातें छिपी हुई समझते हैं। देखो वैसा देखा जाए तो इस चैप्टर को क्यों सीखने की जरूरत पड़ी या इसकी क्या जानकारी लेने की जरूरत पड़ी, तो बेसिकली आप लोग देखोगे कि अपने कोर्स में किसी केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके बारे में तीन जानकारी अपने कोर्स में रखी है, बड़े अच्छे से समझाई, पूरा चैप्टर दे दिया तीनों जानकारी के बारे में, पूरा चैप्टर दे डाला कि तुम जाओ और सीखो बढ़िया से। सबसे पहली बात केमिकल रिएक्शन के बारे में जो आपको पता करनी होती है, सीखनी होती है कि वह ऐसा भी केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तेरी हाँ है कि ना है, तू होना चाहती है कि नहीं होना चाहती। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन का होना नहीं होना अपने को कौन सा चैप्टर सिखाता है, सोचो कौन सा चैप्टर जो अपने को सिखाता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो सिंपली अपन लोग सीखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, सीखते हैं डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, और यदि डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है, गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, यदि डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाती है तो हम बोलते हैं अभिक्रिया नहीं होने वाली। चलो पता चल गया रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। दूसरी खास बात, चलो रिएक्शन होगी ये पता चल गया अपने को, अब दूसरी इसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, कहाँ तक होगी, ये बात भी मुद्दे वाली है, ये समझना जरूरी है। तो कौन सा चैप्टर ऐसा है जो ये समझाता है कि रिएक्शन कहाँ तक होगी, बताओ कौन सा चैप्टर ऐसा है जो अपने को ये सिखाता है कि रिएक्शन कहाँ तक होगी, बताओ। इसमें एक सिंपल सा चैप्टर है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल रिएक्शन रासायनिक सामे जो रिवर्सिबल उत्क्रमण अभिक्रिया पे ये फंडा लगता है क्या कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एक फिक्स टाइम बाद एक निश्चित समय के बाद क्या एक साम्य आ जाता है, साम्य आने के बाद फर्दर प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। हालांकि रिएक्शन चल रही होती है पर नेट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बंद हो जाता है, क्योंकि नेट फ्लो दोनों डायरेक्शन में इक्वल हो जाता है। तो जितना आपका प्रोडक्ट बनना था उतना बन चुका है, तो इसका मतलब जब कभी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में साम्य में आएगी तो आपको पता चलता है भाई साहब यहाँ इक्विलिब्रियम आ चुका है, इतना ही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो पहली बात, रिएक्शन स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, चल हो गई, हुई तो कितना प्रोडक्ट देगी, चल इतना प्रोडक्ट देगी, उत्पाद इतना बनाएगी। लेकिन खास बात, ये जो उत्पाद बनाएगी ना ये कितनी देर में बनाएगी, कितने समय में बनाएगी, इसमें कितना टाइम लगेगा वो अपने को सीखना है। क्या ये जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इस उत्पाद के निर्माण में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई साहब कितने टाइम में पहुंच रहे हो, ये पता ही नहीं कितने टाइम बाद पहुंच रहे हो, तो मतलब ही क्या यार इस जीने का। तो सिंपल सी बात है कि रिएक्शन जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो कौन सा चैप्टर सिखाएगी, ये वाला, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक अभिक्रिया का चलना। और वही रासायनिक अभिक्रिया में चलता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या चीज चल रही होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या डब्बा पूरा चलता है उसको चलने को देखे नहीं, केमिकल रिएक्शन के चलने का मतलब क्या वो समझते हैं अपन लोग। केमिकल रिएक्शन के चलने का मतलब क्या है, क्या डब्बे का चलना, नहीं भाई डब्बे का चलना केमिकल रिएक्शन का चलना नहीं होता, केमिकल रिएक्शन का चलना होता है जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में बदलना, जो क्रियाकारक है उसका उत्पाद में
बदलना, ये जो प्रोसेस, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज मूविंग, या मूवमेंट, या काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, यही चलना होता है रिएक्शन के। भाई साहब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है मतलब आपकी रिएक्शन चल रही है, अदरवाइज रुकी हुई है। समझ आ गई बात? अभी कितनी देर में बदलेगी? अब इस चैप्टर को सीखेंगे क्या मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना एक काइनेमेटिक्स है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बदलना एक, इसकी बता रहा है कि चल रही है कि नहीं चल रही है, जी समझाती है। तो आपको कितनी तेजी से चल रही है, कितने धीमे चल रही है, क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि रिएक्शन आपकी जो चल रही है कितने तेजी से चल रही है, आपकी रिएक्शन जो चल रही है कितनी स्लो चल रही है? केस चैप्टर में इसे नहीं सीखेंगे क्या? क्योंकि कितनी स्लो चल रही है तो फास्ट कर देंगे, फास्ट चल रही है स्लो कर देंगे, जो अच्छा लगेगा वैसे कर देंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपन सीखेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, क्या सीखेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या बोला है, और दूसरा फैक्टर सीखेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन को कौन सी चीज इफेक्ट डालने वाली है। देखो स्पीड ऑफ रिएक्शन इतना अच्छा शब्द नहीं लग रहा, अभिक्रिया की चाल एक अच्छा शब्द नहीं है, इससे अच्छा शब्द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, ये अच्छा शब्द है। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपन स्टार्टिंग में सीखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे ये किस किस बातों पर डिपेंड करती है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं, और जो अपने को पता था इस चीज से प्रभावित है, ये इस चीज के बस में है, होता ना इसको ये प्रभावित ये करता है, इसके बस में ये, तो पता चल गया अपन रिएक्शन को चेंज कर पाएंगे। भाई साहब अपन रिएक्शन स्पीड धीरे जो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग अपन मॉनिटर कर पाएंगे, अपन अपने हिसाब से चला पाएंगे। तो इस रिएक्शन इस चैप्टर में सीखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग। तो सिंपल से एक लाइन में बोलना चाहूं, दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये रसायन विज्ञान की वो शाखा है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाएगी, सिखाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। अब जो केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, अब कौन सी टाइप को अपन, किस टाइप को अपन सीखेंगे, तो रिएक्शन का जो टाइप है, आप टाइप तो रिएक्शन के बहुत तरीकों से देख सकते हो, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन मैं बच्चों को बताता हूँ हजार तरीके से कर सकते हो, आपका बेस क्या क्लासिफिकेशन का वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन का जो बेस लिया, जो आधार लिया, वो स्पीड लिया है, रिएक्शन कितनी तेजी से चल रही है। कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट टाइप होती है, कुछ वेरी स्लो होती है, कुछ मॉडरेट रेट की होती है। वेरी फास्ट, पलक झपकने से पहले रिएक्शन कंप्लीट, प्रोडक्ट सामने तैयार है, जी हाजूर हम हाजिर है तुम्हारे सामने। बहुत स्लो, एक साल लग गया, दो साल लग गया, तीन साल लग गया, प्रोडक्ट बनता ही जा रहा है। और लास्ट मॉडरेट, आधा घंटा, एक घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी एक नॉर्मल स्पीड होती है, हो सकता है कि 6 घंटे लग जाए, तो ये मॉडरेट स्पीड के अंदर काउंट होते हैं। तो सुनना ये लड़ाई वाली बात नहीं है, सर 6 घंटे 20 मिनट हो गए तो क्या, नहीं, मॉडरेट हो तो एक दिन के आसपास हो जाए, इसको अपन मॉडरेट मध्यम, जिसको अपन सीख सकते हैं एक्चुअली। वेरी फास्ट को अपने पास ऐसे इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो पलक झपकने से पहले रिएक्शन हो जाए उसके हर डाटा को अपन जान पाए, तो इतने स्पीड से अपन रिएक्शन को समझ नहीं पाते हैं। वेरी फास्ट टाइप की रिएक्शन को एक्चुअली अपन नहीं समझ पाते हैं, वेरी स्लो को समझ नहीं का मतलब उनका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, उसको एनालाइज करना है तो उसमें अपने पास इतने अच्छे गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं अपन कर पाए। और दूसरी वैरायटी वेरी स्लो, वेरी स्लो में सोचो कि बहुत धीरे जो रिएक्शन हो रही है, क्या उसको बहुत टाइम लग रहा है, एक साल लग रहा है, सोचो बाई चांस कोई रिएक्शन नॉर्मल स्लो है वो 2 साल में होती है, और मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कुछ डेटा लेने में कुछ गलती कर दी, तो मेरे 2 साल में वो एक्सपेरिमेंट वापस करना पड़ेगा, फिर 2 साल लगे, 4 साल की जिंदगी गई, और एक एक्सपेरिमेंट हुआ मेरी जिंदगी में, तो जिंदगी का एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा भैया। तो जो रिएक्शन बहुत स्लो होती है उसको अपन नहीं स्टडी करते हैं, फास्ट को भी नहीं, स्लो को नहीं, जो मॉडरेट रेट की होती है उनको अपन चर्चा में लेते हैं, और अपने चैप्टर वही है। वैसे कोई पूछ ले साहब एग्जाम्पल भी दो हमें बहुत फास्ट का, वेरी स्लो का एग्जाम्पल, तो अपने पास हैं एग्जाम्पल्स। वेरी फास्ट में जो आयोनिक रिएक्शंस होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आयन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलना चाहिए, जो आयन्स हैं। ऐसा क्यों? वेरी फास्ट में एक्चुअली लॉजिक क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटने में टाइम ज़्यादा लगता है, जब टाइम ज़्यादा बॉन्ड टूटने में लगता है तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। सोचो कोई पहले से अपने बॉन्ड तोड़ के बैठा है, अपने तोड़ के बैठा है मस्त है, तो सोचो जो पहले से तोड़ के बैठा है उसको सिर्फ जोड़ने की जरूरत, तो आयनिक डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, पहले से आयन बने हुए रहते हैं, उनके जुड़ना होता है, तो आयनिक डिस्प्लेसमेंट बड़ी फास्ट होती है। सेकंड वन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में कुछ ऐसा ही होता है, एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपना आयन डोनेट करके अपने आयनिक फॉर्म में रहता है, डोनेट को क्या, बेस वो भी अपना आयनिक फॉर्म में होता है, अब दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो अब सिर्फ आयन का डिस्प्लेसमेंट मिलना ही तो हुआ, तो आयनिक रिएक्शन की एक वैरायटी हो गई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद चर्चा करते हैं वेरी स्लो, वेरी स्लो के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ज़्यादा अच्छे से बताऊंगे, जैसे कोरोजन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, जो कॉपर है उसमें भी दिक्कत आती है, उसमें भी रस्ट लगती है, कैसे, उसको बोलते हैं ग्रीनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर ग्रीन होने लग जाता है। थर्ड वेरायटी, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पे भी लगता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क ले सकते हैं, जो
दूध का जमना ले सकते हैं, कोई बुरा ही नहीं है। सॉरी बोतल गिर गई है पानी की। चलो हवा बहुत तेज चल रही है, करीबन 10-11 बज रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। जरूरी था इस चैप्टर का लाना यार, बहुत ज़्यादा जरूरी था, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, करेंगे इस चैप्टर को। चलो तो जो दही का जमना हो सकता है रख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्लो में रख लो नहीं तो मॉडरेट में रख लो, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो मॉडरेट रेट वाली जो होती है अपन इसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है साहब रेट ऑफ रिएक्शन सिखाओ ना, चर्चा जब रेट ऑफ रिएक्शन पे करनी, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था भैया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे अपन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।